ये न्यूज आपने देखी होगी, केशवन एंड भारती जी नहीं रहे, सर, यस सर। और इनका नाम अगर ये शायद केस नहीं हुआ होता तो बहुत इंपॉर्टेंट कभी होता ही ना। तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये किस केस में दिया गया था? केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेस भारती। स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस को फेमसली हम जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने का। बेसिकली हुआ क्या था देख लेते हैं। केरल में एक लॉ आया 1970 में, उस लॉ का नाम था केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन 1970। इस लॉ से केरल गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता था उसको उसने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ठीक है, तो आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी अपने रिलीजियस प्रॉपर्टी को, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो इसी का सहारा लेकर ये केशवानंद भारती साहब कोर्ट में गए, और 13 जजों की बेंच बनी जो उस समय तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच मान ले। और जो क्वेश्चन क्रिएट हुए, बेटा ये हो सकता हो कि अभी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना है, तो देखिए क्वेश्चन क्रिएट हुए कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेडली अनलिमिटेड अमेंड कर सके, या जितना चाहे उतना अमेंड कर सके। तो इसका नो, आंसर बाद में आया, बाद में। इसके पहले तक जैसे सज्जन सिंह का केस आपने पढ़ा होगा तो उसमें था यस कर सकती है, गोलकनाथ पढ़ा होगा। तो हम लोग इसको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आया, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को जिस हद तक चाहे उस हद तक खत्म कर सकती है? तो बाद में इसका आंसर भी आया नो। तो ये सब बात की बात है, लेकिन ये जो सारी देश में इन सब बातों की शुरुआत हुई, या जो ये प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ, केशवानंद भारती के केस से ही मिलना स्टार्ट। क्लियर? यस हाँ, तो बस सर, इतना याद रखिएगा। इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कहाँ से आया? केशवानंद भारती के केस से आया। इसमें दो मेन पॉइंट थे कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और दूसरा क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास सॉरी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से चेंज कर सके, या किसी से फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से ले सके। तो ये इनके डिटेल्ड आंसर या इसमें आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगला एक और बड़ा मुद्दा बना आजकल, आप देख ही रहे होंगे टीवी में, क्या हुआ कि 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, मेरी बात ध्यान से समझेंगे तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। उसके 150 साल पूरे हुए, 150 साल 1857 के रेवोल्यूशन को कब पूरे होंगे? जल्दी बताइए, 2007। 2007। इसी से कैलकुलेशन है बेटा। तो ये सोचा गया कि हम लोग एक ऐसी डायरेक्टरी बनाएं या ऐसा एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें हर देश के शहीद का डिस्क्रिप्शन हो, और ऐसे फ्रीडम फाइटर का डिस्क्रिप्शन हो जो 1857 से 1947 के बीच में हुए हो या शहीद हुए हो। कब से कब तक? 1857 से 1947 के बीच में। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर। 1857 की 150वीं क्रांति पर ऐसा करना डिसाइड हुआ कि हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने एक मेजर रोल प्ले किया हो 1857 से 1947 तक, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, और उसकी जो हम लिस्ट बनाएंगे उसको हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये काम दिया गया ICHR को। किसको दिया गया? ICHR, इंडियन काउंसिल अब फॉर आपसे पहला रिसर्च। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि ICHR क्या है, तो आप याद कर लीजिए। जो बच्चे पीसेस दे देना चाहते हैं मीन्स, उनके लिए एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एब्रीवेशन यही तरीका होता है, याद करते रहिए, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। क्लियर? अब क्या हुआ कि हाल में ही ये बुक जो है 7 मार्च 2019 को तैयार हो गई, 12-13 साल में लिटरेचर तैयार हो गया। तो 7 मार्च 2019 को पीएम को इसको रिलीज करना था। बुक का नाम क्या है या इस कलेक्शन का नाम क्या है? देखिए, डिक्शनरी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। पीएम को रिलीज करने से पहले ICHR को एक और ड्यूटी दी गई, इसमें जितनी भी एंट्रीज है उनको चेक कर लो। क्लियर? तीन तीन मेंबर की कमेटी बनाई गई। देखिए ध्यान से, ये मैंने बता दिया आपको, द बुक कंटेन एन अकाउंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 टू इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947।
द प्रोजेक्ट फॉर कंपाइलेशन वॉज कमीशन बाई, किसने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, क्यों? टू सेलिब्रेट 150th एनिवर्सरी ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक कमेटी बनी, कमेटी ने कहा कि आप जो है इसकी एंट्रीज फिर से चेक कर लीजिए, 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई और कहा एंट्रीज चेक कर लीजिए कहीं किसी का नाम गलत तो नहीं हो गया या छूट तो नहीं गया। तो कमेटी ने सजेस्ट किया, अब मुद्दा समझिएगा, कमेटी ने सजेस्ट किया कि ये 387 नाम इसमें गलत लग गए हैं जो कि मोबला, मालाबार और वैगॉन ट्रेजेडी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो एग्जाम का यूपीएससी का जो क्वेश्चन बनेगा वो वैगॉन ट्रेजेडी से बनेगा और मालाबार या मुगला रिवोल्ट से बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. यहाँ पे इस न्यूज में इंपॉर्टेंट निकल कर आया ICHR, वैगॉन ट्रेजेडी क्या थी और मालाबार या मुगला रिवोल्ट क्या था। क्लियर? बोलो हाँ। Yes, sir. आप कुछ और बातें बता दें। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, समझिएगा। टीपू सुल्तान 1799 में क्या हुआ? डेथ हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गए। और इनका ये जो 1799 में जिस वॉर में शहीद हुए थे उसका नाम क्या था? विच एंग्लो मैसूर वॉर? थर्ड अब क्या हुआ कि जब ये मालाबार रीजन था जो पहले टीपू सुल्तान के पास टेरिटरी थी, जब टीपू सुल्तान की डेथ होगी तो टेरिटरी इंग्लिश के पास आ गई, अंग्रेजों के पास टेरिटरी जब ये क्षेत्र आ गया तो अंग्रेजों ने नए लैंड लॉ को लागू किया। इस लैंड लॉ को जो नए भूमि कानूनों को लागू किया उसमें ज्यादातर राइट मिल गए जमींदारों को और जो पीजेंट्स के राइट थे, जो किसानों के राइट थे, वो बहुत हद तक छिन गए क्योंकि इंग्लिश को डायरेक्टली मतलब था किससे? रेवेन्यू से। और उन्हें पता था कि हम एक इंडिविजुअल कास्टकार से कम वसूल पाएंगे तो हम लोग जमींदारों को फेवर करते हैं, तो इन्होंने ज्यादातर राइट किसको दे दिया? जमींदारों को दे दिया। अब यहाँ पे एंगल क्या है कि जो जमींदार थे, द मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड वर नंबूदरी ब्राह्मण्स, ज्यादातर लैंडलॉर्ड क्या है? ब्राह्मण्स है। और जो पीजेंट्स हैं या जो कृषक हैं उनको वो क्या है? मपलिया मुस्लिम है। Muslims. अब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा टेंशन हो गया कि इनके बीच में इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और इनका रिवोल्ट जो था वो अगेंस्ट ब्राह्मण्स था या अगेंस्ट ये सिस्टम था, वो एक इकोनॉमिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह था, ना कि वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था। पॉइंट समझिएगा। तो ये लड़ाई में जो लोग मरे उनका नाम इस लिस्ट में आ गया था तो उनको हटाने की रिकमेंडेशन दिया गया कि भैया इन दोनों ने जो लड़ाई लड़ी आपस में, जो रिवोल्ट हुआ, ये देश के लिए नहीं लड़ाई, ये आपस में लड़ाई हुई बिकॉज ऑफ एनी एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। तो अब ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना इम्पोर्टेंट है वैगॉन ट्रेजेडी, ये क्या है? तो हिस्ट्री का एक एपिसोड है ये भी। नंबर 1921 में जब ये मोगला रिवोल्ट चल रहा था, अंग्रेजों की एक स्पेशल फोर्ट आई जिसको नाम रखा गया मालाबार स्पेशल फोर्स। तो पूछा जाए मालाबार स्पेशल फोर्स क्यों बनी थी? मालाबार स्पेशल फोर्स 1921 में बनी थी ताकि इस मालाबार रिवोल्ट को या मोगला रिवोल्ट को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तो 67 मोपला प्रिजनर्स को पकड़कर ये फोर्स एक बंद कोच में या बंद डिब्बे में लेकर जा रहे थे और इसमें सफोकेशन से बहुत लोग मर गए, ठीक है, दे डाइड ऑफ सफोकेशन। अब बताओ, और इसी को हमने नाम दिया वैगन ट्रेजेडी। अब ये जो 67 में से कई लोग मर गए इनको क्या फ्रीडम फाइटर का स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नो सर। अब ये आपका अपने पर्सनल एंगल हो सकता है, बहुत लोग को लगेगा मिलना चाहिए, बहुत लोग को लगेगा नहीं मिलना चाहिए। तो ये विवाद चली, कांग्रेस और बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात पे अड़े हुए कि नहीं भैया, ये जो 346 नाम है ये भी फ्रीडम फाइटर्स है और ये बीजेपी जानबूझ के एजेंडे के थ्रू कर रही है। जबकि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे धीरे धीरे खुद ही समझ आएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, हम लोग इस पर नहीं जाना चाहते। दूसरा, यहाँ पे एक होमवर्क आपको करना है, अपने आप से खिलाफत मूवमेंट पढ़ना है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट खिलाफत मूवमेंट, राइट।
आप हमें बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद हमने बताया कि ICHR का नाम आपने बार बार सुना, ICHR। तो ICHR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1972 में। ये पूछेंगे नहीं आपसे कैसे बनी है क्या नहीं, ये वाला पूछेंगे कि ICHR इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ये एक सोसाइटी है, टाइप ऑफ सोसाइटी है, और किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत बनी है। क्लियर?